भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। किसान आंदोलन के बाद तो बचा कुचा जो इनकी इज्जत थी वो भी पंजाब में खत्म हो गई है। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। आज से करीब 4.5 महीने पहले या 5 महीने हो गए अब तक, तब से अरविंद केजरीवाल जी कुछ बातें आप लोगों के सामने कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है। पंजाब के विषय पे मैं आता हूं। पंजाब में 4 पार्टियां मुख्यतः चुनाव में हैं। पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी, दूसरे पे कहीं कांग्रेस कहीं अकाली, दूसरा तीसरा, चौथे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ये बात तथ्य है, ये मेरा कोई आकलन नहीं है, ये बात सब राजनीतिक लोग जानते हैं कि चौथे नंबर पर आने वाली राजनीतिक पार्टी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है, इनका कुछ नहीं है। और किसान आंदोलन के बाद तो बचा कुचा जो इनकी इज्जत थी वो भी पंजाब में खत्म हो गई है। पंजाब के गांवों में बोर्ड लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का अंदर आना मना है। इस तरीके से पंजाब का किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, यह भी कहा जा सकता है कि इनसे नफरत करता है पंजाब का किसान। सवाल यह उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हालात पंजाब में इतने खराब हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक कल तोड़ के ले गई? और कल एक और खबर हमारे पंजाब के विधायकों ने दी कि पंजाब में बहुत सारे विधायकों के पास पार्टी बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनको पैसा ऑफर किया गया, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी ऑफर की गई, उनको पोजीशंस ऑफर की गई, यहां तक कि उनको संसद के अंदर चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। मैं समझता हूं कई कारणों से लोग अपनी पार्टी स्विच करते हैं। कई बार ये होता है कि आप अपनी पार्टी में हार रहे हैं, आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसके बेहतर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मगर पंजाब के विषय में ये बात किसी भी आदमी के लिए समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी के सांसद जिनका संसद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, जाहिर सी बात है। जो रिंकू हैं जलंधर से हमारे सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब केंद्र सरकार के अधीन आके कुछ करा सकते हैं, कुछ भी नहीं कराया जा सकता। सिर्फ एक चीज की जा सकती है, चुनाव लड़ना। जो वो आम आदमी पार्टी से लड़ते या अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, आप किसी से भी इसका आकलन करा लीजिए। जलंधर में, पंजाब के जलंधर में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। ये कुछ भी कर ले चौथे नंबर पे आएंगे। क्यों एक सांसद
चौथे नंबर पर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आएगा? ये बड़ा सवाल है। कल हमारे तीन विधायकों ने पंजाब में प्रेस वार्ता की। अमनदीप सिंह मुसाफिर बलवाना से हमारे विधायक हैं, शीना लुधियाना से हमारी विधायक हैं, जगदीप गोल्डी कंबोज जलालाबाद से हमारे विधायक हैं। इन तीनों ने बताया कि इन तीनों को ही नहीं, मेजॉरिटी हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया और कल सबके सामने उन्होंने प्रेस वार्ता की। मैं जानता हूं पिछली बार जब हमारी प्रेस वार्ताएं हुई तो कहा गया कौन सा फोन था, किसने फोन किया, कितने बजे आया, किस फोन नंबर से आया। तो कल हमारे विधायकों ने ये फोन नंबर भी जारी किया है कि ये फोन नंबर है जिससे फोन आया है। इसके अलावा भी मेरी जानकारी में है कि उनके पास और भी कुछ इससे रिलेटेड जानकारियां और सबूत हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।